हमारे घर में बच्चों के शूज़ के डब्बे आते ही हैं और बच्चों के छोटे छोटे खिलौने वगैरह होते हैं, हम बास्केट वगैरह भी लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे घुमाते फिराते रहते हैं। और उनको जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको कागज़ वगैरह इनके साथ खेलने का शौक होता है, तो आप उनके शूज़ के डब्बे इसमें डाल के जो न्यू हो अपने जो यूज़ करके उसमें डाल रहे हैं वो नहीं लेना, आपने एक न्यू सेपरेट रख लेना है ताकि जरासीम वगैरह ना लगे ना बच्चों को। फिर आप ये देखें, मैंने उसके छोटे छोटे खिलौने जो है ना उसमें डाल के रख दिया, वो इसमें डालती है निकालती है। इस तरह बच्चा खुश हो जाता है। तो आपने ये वाइप्स वाला जो है इस पे लगा दिया है, ये देखिए मैंने डबल टेप के साथ यहाँ पे डबल टेप के साथ वो कर लिया था। ये देखिए मेरे पास बच्चे पड़े हैं, मैंने इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर मैं इस तरह जो है ना बच्चों के लिए खेलने की चीज़ बना लेती हूँ, ठीक है। और इस तरह आप इसमें से ये देखिए छोटे बड़े वाला तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये देखिए छोटे वाला बच्चा इसमें डालेगा और वो करेगा, खुश हो जाता है। तो आप इस तरह बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें ये वाइप्स वाला भी आप डाल के रख सकते हैं, टिशू वगैरह के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसके बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ आपके काम है, क्योंकि टिशू के जो बॉक्स होते हैं वो खुले होते हैं वो ऊपर से मुँह से, तो उस तरह आप उसके ऊपर ये लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगा और आप जो है ना वो सेफ़ हो जाएगा जरासीम वगैरह से। अब हम जो है ना वो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, और उम्मीद है आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। और आपने जो है ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से आपके साथ के लिए वीडियो बनाई है, और अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलती, और इस तरह आप लाइक कर देंगे तो हमें मोटिवेशन होगी और हम नई वीडियो आपके लिए लेके आएंगे और नई नई टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। आप घर पे जो है ना वो मास्क वगैरह इजीली बना सकते हैं। आप इस तरह का ये शॉपर जो है ना वो इससे ले लें और ये इस तरह इसको प्रेस करके, ठीक है, इस तरह इसको प्रेस कर लें। इस तरह हमने इस्त्री के साथ ऐसे आप इस तरह इसको बल दे के थोड़ा सा प्रेस कर लें, ठीक है, या आप इसको यहाँ पे सिलाई लगा लें और इसके बाद आप यहाँ पे दो रबड़ लगा के आप इसको इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। कपड़े का भी आप बना सकते हैं, ये सिर्फ मेरा मकसद था सिर्फ आपको बना कर दिखाना ताकि आप जो है ना वो घर पे अपना मास्क इजीली बना सकें, क्योंकि बाज़ार के जो मास्क होते हैं ये देखें आप बहुत सख्त होते हैं और बहुत ये देख लें क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, जन एक ही दो दिन में या ख़राब हो जाते हैं। आप इस तरह के कपड़े के बना के रख लें तो आपको जो है ना वो बहुत ही फ़ायदा होगा, और आप इसकी ही रिबन ये काट के जो है वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं यहाँ पर। इस तरह आप दो रिबन अटैच कर लें, और ये जो डोरियाँ भी जो है ना वो आपको शॉप से आसानी से मिल जाती हैं और घर में भी तकरीबन मिल जाती हैं जो वो स्टिचिंग वगैरह करती हैं। आप इसकी जो है ना ये दोनों स्ट्रिप्स काट के रख सकते हैं जब आपका ये ख़राब हो जाता है, तो ताकि आप इसके ज़रिए जो है ना वो अपनी नई वो बना सकें। और इसमें जो है ना यहाँ पे ये देखिए तो खुद ही पहले से ही जो है ना वो छोड़ रहा है, तो आप इसको भी लगा के जो अपना न्यू बनाएंगे तो आप उसमें ये तारे वगैरह डाल सकते हैं। हर घर में ऐनक वगैरह मौजूद होती है और अक्सर औकात ऐनक ख़राब हो जाती है, फिर हम जो है ना वो ऐनक की डब्बियाँ जो है ना वो फेंक देते हैं, और हम इसको एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस चीज़ के लिए कि हम इसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि ज्वेलरी से रिलेटेड हैं हम वो डाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना वो ये तो बहुत बड़ा है, इसके अलावा छोटे छोटे भी आप इसमें जो जो चीज़ें इसमें आ सकती हैं, लॉकेट वगैरह, चेन, टोपस, रिंग वगैरह आप इसमें डाल के रख सकते हैं। और ये देखिए इस तरह की चीज़ें आप जो है ना वो अपनी ज्वेलरी के लिए, मेकअप के लिए, कुछ किसी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो कौन सी है कि घर में हम ये जो है ना नेल रिमूवर वगैरह लेते हैं और हमारी ये डब्बियाँ देखिए इसमें तो एक तो ये ड्राई हो भी बड़ी बड़ी ड्राई भी हो जाती हैं और हमारा जो है ना वो ये देखिए खाली रह जाती है, तो इसमें तो एक तो हम इसको भी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी हम इसमें ज्वेलरी वगैरह डाल के रख सकते हैं और बच्चों के छोटे छोटे टॉप्स जो होते हैं, और इसके अलावा हम जो है ये मैंने आपको जो
मास्क बनाना सिखाया था, जिस शॉपर से जो हमारे घर में बैग यूज़ होते हैं उसको हम जो है ना वो गोल काट के, इस तरह गोल काट के, चाहे गोल ना भी काटें, छोटा सा जो है ना वो आप इसको ऐसे ही इसमें रख दें, क्योंकि इसका तो मकसद ही सिर्फ नेल रिमूवर के लिए है। तो आप नेल रिमूवर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता होता है, वह मार्केट से मुझे अभी मिल नहीं रहा था। सो आप इस पर जो है ना वो डाल के रख दें भिगो के, जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास सिर्फ पानी है, तो मैं सिर्फ पानी का ही स्प्रे ये करके रख देती हूँ। इस तरह आप इसको स्प्रे करके रख दें तो ये जो है ना वो जज़ब कर लेता है, और फिर आप इसको जब चाहें तो अपनी नेल रिमूवर जो है ना वो इजीली रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप इस तरह बना के अपना जो है ना वो नेल रिमूवर घर में रख सकते हैं। फिलहाल मेरे पास लिक्विड नहीं था, वरना मैं आपको गिराकर जो है ना वो दिखा देती और नेल रिमूव करके भी दिखा देती। मैं नेल जो है ना पॉलिश इतनी ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, और इसलिए जो है ना ये बड़ी बड़ी ड्राई भी हो गई है। देखें इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है इतनी। ये तो मेरा थोड़ा सा पानी लगा हुआ था, ये देखें इतना ज़्यादा नहीं है। जो ये बॉक्स मैंने आपको बनाकर दिखाया था, तो आप इस तरह के और भी मज़ीद बॉक्स बनाकर आप जो है ना वो इसमें इसको आप चाहे तो आप इसको ना कवर से कवर कर लें, कोई अच्छा सा शाइनी सा कवर आप इस पर लगा के, और ये देखें इसमें हम जो है ना वो ज्वेलरी रख सकते हैं। ये देखिए ये झुमके थे, और इस तरह आप इनको रख सकते हैं। इनके जो है ना वो नग वगैरह भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखें मैं, ये देखें इस तरह जो है ना इनके नग भी ख़राब नहीं होते और वो सही पड़े रहते हैं। इसको आप इस तरह, आप काफ़ी सारी ज्वेलरी जो है ना वो अपने इस तरह बॉक्स में डाल के रख सकते हैं, और मेकअप का सामान भी आप इन बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। आपको मैं मार्केट से जो है ना इस तरह के ऑर्गेनाइज़र परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे, आप घर में ही जो है ना वो इन चीज़ों को बना सकते हैं ईज़िली। और चाहे आप ऊपर लगाएँ या नहीं लगाएँ, तो आपका जो है ना वैसे भी ऑर्गेनाइज़र रेडी है। आप सबके घर में ये चाइना के वो तो आते ही हैं मांजने के लिए, बर्तन मांजने के लिए जो होते हैं, और इसको जो है वो ये ना जब धोते हैं ना बर्तन तो ये खुल जाता है, तो हम और जो है ना वो इसको हैंग भी नहीं कर सकते क्योंकि गीला हो जाता है, तो पानी नहीं वो होता खुश्क अगर किसी प्लेट में वगैरह में रख दे। तो इसके लिए जो है ना हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं, हम एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे, आप कोई भी छोटी सी ले सकते हैं बड़ी, और इसमें जो है हमने इस तरह छोटा सा ऊपर से कट कर लेना है। ये यहाँ से भी मैंने ज़्यादा कट कर लिया, इसको थोड़ा सा मैंने बाद में फिर कट किया था, इसको थोड़ा सा हाँ आपने इतना छोटा हमने कट करना है। और इसके अंदर जो है ना वो रिबन लगा के या कोई भी चीज़ से ना डोरी से आप इसको इस तरह आपने इसको इसके अंदर वो कर देना है, फिट कर देना है। इसके लिए सिर्फ हमें ऊपर वाला हिस्सा ही चाहिए, और जो नीचे वाला पार्ट है बोतल का वो उसका मैं आपको फिर को ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊँगी। और यहाँ पर जो है ना वो हमने सिर्फ बोतल का ऊपर वाला ढक्कन लिया और इसको ओपन कर लेना है, और इसमें हमने एक सुराख कर लेना है। ये सुराख क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हम इसका क्या करेंगे। और इस तरह की हमने रस्सियाँ ले लेनी है, आप डोरी भी जो भी चीज़ आपके घर में है तो आप लेने सिर्फ बांधना है। हमने इसको इस तरह आप इसके अंदर से गुजार के दोनों साइड से दो 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 डोरियाँ हैं, तो आपने दोनों साइड से इस तरह गुजार लेनी है। गुजार के अच्छे से, मुश्किल होगी थोड़ी सी लेकिन हो जाता है, और ये जो है ना वो आपने इस तरह गुजार के यहाँ से एक एक जो है ना वो गांठ लगा देनी है। ठीक है, फिर हम यहाँ गांठ लगाने के बाद ये दूसरी साइड से मैं एक और मैं लगा रही हूँ, एक हम इधर लगा देंगे और एक दूसरी तरफ लगा देंगे। फिर हमने इसको बोतल से गुजार के बोतल के अंदर लगा के फिर हम इसमें ढक्कन लगा देंगे, ताकि फिर जो है ना हमें वो उसके हैंग भी कर सकें और बोतल से पकड़ के हम इसको वो कर दें, क्योंकि बाज़ूकात ये हाथों में वगैरह में लग भी रहा होता है जब बहुत ज़्यादा बर्तन को ऐसे हमने इस तरह बॉटल में से गुजार देंगे। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी टिप है और फ़ायदेमंद है। और यहाँ से ये थोड़ा सा फिर भी बड़ा था, मैंने फिर बाद में इसको जो है ना वो कट कर लिया था। आप इतना जो है ना वो यहाँ से कट कर सकते हैं। मैंने थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आप